चलते हैं आज हम आदि मेला महोत्सव। बहुत साल के बाद में यहाँ राउरकेला में कुछ मेला लगा है, तो चलिए घूमना तो बनता है, तो यहाँ पे आ गए हैं। और इसका एड्रेस बोले तो ये जो आम बगान के बिल्कुल सामने में, और ये जो भंजो भवन वाला जो फील्ड है ना बिल्कुल वहाँ पे, और ये उसका एंट्रेंस गेट है। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत एंट्रेंस गेट बना है, ये देखिए कितना सुंदर झूमर लटका हुआ है लाइटिंग के साथ में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आदि मेला महोत्सव लगा हुआ है, आदि मेला महोत्सव। तो आदि मेला महोत्सव में आ गए हैं, तो हम लोग के साथ में आप भी चलिए और मेला में घूमते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ मेला में क्या क्या मिल रहा है। तो ये सबसे पहला ये स्टॉल है, यहाँ पे हम जब आए तो देख रहे हैं हैंडमेड लैंप बना हुआ है, और ये बहुत अच्छा अच्छा लैंप है जिसमें कढ़ाई और बुनाई से बना हुआ है, हाथ से काम किया गया हुआ, हाथ का कारीगरी। ये देखिए ये सब वॉल में लटकाने के लिए सब के हैंगिंग वाला सब बना हुआ है, चेन कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। मतलब ये सब का क्या, ये वाला हैंगिंग का क्या रेट होगा? 6 पीस का है, कितना बोले? 500 का। अच्छा, ये 6 पीस का 500 का, और काफ़ी अच्छा। ये क्या से बना हुआ होगा? रिवर ग्रास। अच्छा, ये सारा चीज़ ना रिवर ग्रास से बना हुआ है यहाँ पे। ये सब क्या है? ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, ये 3 का सेट है क्या? ये वाला तीनों सेट आएगा आपका 900 का, 900 का। सिंगल भी होगा। हाँ। अच्छा अच्छा, इसको सिंगल में भी आप देंगे ना? और ये वाला क्या है? ये वाला पर्दा है। अच्छा, पर्दा है। अच्छा, कॉटन है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये हाथ से बना हुआ और ये पर्दा बना हुआ है, काफी ही अच्छा है पर्दा। वो वाला क्या है? टेबल मैट है क्या? हाँ, योगा मैट है। अच्छा, वो ये योगा मैट है। ये कौन सा ग्रास बोले? रिवर ग्रास। अच्छा, ये बंगाल से आया है? अच्छा, वेस्ट बंगाल से। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये देखिए ये ज्वेलरी सब है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ये सब हैंडमेड है नी? अच्छा, शांति निकेतन से जी। शांति निकेतन। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, ये सारे वहाँ के लोग जितने हैं वहाँ पे जो रहते हैं सब अपने हाथों से बनाए हैं नी? अच्छा अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का। अच्छा 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 अच्छा, ये जितने भी वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर वाले ये आश्रम में जो रहते हैं ना, वो लोग अपने सारे वहाँ के रहने वाले जितने हैं ना सब अपने हाथ से बनाए। और दुपट्टा है क्या? साड़ी है वाला? ये क्या साड़ी बोलते हैं इसको? इसका रेट जो लगा है यही है? अच्छा, ये हैंडमेड साड़ी है और आप देख सकते हैं इसका रेट 6500। ये सिल्क है? अच्छा, प्योर सिल्क है क्या? अच्छा, ये सिल्क की साड़ी है। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। यहाँ ज़्यादा वेस्ट बंगाल कहीं से कोई आया है नहीं? और ये सारा चीज ये क्या है? ये बहुत अच्छा पैकिंग हुआ है। ये क्या है? साबा। इस क्या होता है इसका? साबुन। अच्छा, साबुन है। अच्छा, और ये साबुन है, देख सकते हैं आप लोग, ये साबुन का कितना अच्छा पैकिंग। क्या रेट है इस साबुन का? 100 रुपीज। ये क्या से बना हुआ है? कुछ से बना हुआ है? ऑर्गेनिक है? हाँ। अच्छा, शौर्म नारी संस्था से ये आए हुए हैं, और ये 30 साल से चल रहे वाला नहीं? अच्छा, तो आप लोग अपने हाथ से ही वहाँ पे काम करते हैं? हमारे एसएचजी ग्रुप है। एसएचजी ग्रुप, मतलब 500 से ऊपर एसएचजी ग्रुप है जो काम ये सब काम करते हैं। सब कोई मानो सारे लेडीज लोग को एक अच्छा काम मिला हुआ है ना? चलिए, तब तो बहुत है। 75% ट्राइबल है। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में काम होता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे राजनगर ब्लॉक है, बोलपुर ब्लॉक है, ये सब ब्लॉक हमारे। क्या चीज का है? जिंक मेटल के ऊपर सिल्वर डिजाइन बना। अच्छा, जिंक मेटल के ऊपर सिल्वर डिजाइन, डिजाइन बना लेते, बस इसका छाचा रहता, इसका छाचा बना के जिंक मेटल के ऊपर इसको ये हैंड से डिजाइन बना लेते। बनने के बाद ये सिल्वर वायर रहता ना, सिल्वर वायर से बिल्कुल प्योर सिल्वर का है, पूरा प्योर सिल्वर है ये। अच्छा,
ओहो, अच्छा ये सिल्वर का है और ये हैंडमेड है, और इसमें इसको आप लोग इसको मशीन से लगाते हैं? मशीन नहीं, हाथ से लगाते हैं। ये है ना, अच्छा ऐसा पूरा हाथ से डिजाइन होता है। ये अच्छा, देखो ये देखो हाथ से इसको बनाते हैं। ये निकलता नहीं है? नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता। ये देखो सब उसी से बना हुआ है सर, देखो ये देखो। अच्छा अच्छा, पूरा बैठ जाता है? नहीं वो ये सारा हाथ का काम है, लेकिन ये बहुत सुंदर सुंदर बना हुआ है। और ये देखिए कैसे बैठा रहे हो इसके साथ पूरा। ये फिलअप होने के बाद बीदर में खिला है, फोर्ट है, फोर्ट में सॉइल मिलता वो। अच्छा। सॉइल बॉइलिंग करके, अच्छा वो सॉइल में ये बॉइलिंग करे तो वाटर में डाल देते, ये कलरिंग आता है ऐसे सॉफ्ट है, पूरा कलरिंग, पूरा कलर वो बैठ जाता है उसमें। हाँ। नहीं? अच्छा क्या प्राइस होगा इसका? ये जो हाथी है, ये हाथी है ये 5000 का है। अच्छा 5000 का है, ये 4000 का है। अच्छा ये 2500 का है। सबसे छोटा वाला ये 800 का है, ये 800 का है, ये 300। और ये जो मोर यहाँ पे रखा हुआ है, मोर ये 2500 का है। ओ ये 2500 का मोर है। और यहाँ पे भी जो ये वाला स्टॉल दिख रहा है ना, ये भी रिवर ग्रास से बना हुआ है। और ये ग्रास से बना हुआ देखिए मीदर है। और यहाँ पे ये हॉटकेस जो रोटी वगैरह रखने के लिए, हॉटकेस पुराना जमाने में जो हम लोग का यूज़ होते थे ना घरों में, बिल्कुल उसी तरह के हैं। और ये हॉटकेस बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए ग्रास में, ग्रास मैंने वो रिवर से लेकर के ग्रास और बनाना, इसमें भी कितना मेहनत का काम होता है ना, और वो भी कितने बारीकी के साथ ये सब कुछ बुना हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप उसको देखेंगे ना तो देख करके ही समझ सकते हैं। और ये देखिए ये बना रही है उसी से, तो इसको किस तरह से बिना जाता है ये देखिए। ये ग्रास निकाला जाता है पहले वहाँ से, और उसके बाद में इसको यहाँ पे इसका ये रूप दिया जाता है। और ये एक पीस का ना यहाँ पे 30 रुपीज़ रेट था इसका। और ये देखिए कितना खूबसूरत ज्वेलरी है। और ये ज्वेलरी ना क्रिस्टल का है, क्रिस्टल का ज्वेलरी है। और ये ना हाथों से बना करके ये देखिए कितना सुंदर रूप इसको दिया गया है। और ये सारे देखिए कलरफुल कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। बड़ा वाला 250, छोटा वाला 150। अपना हाथ से बना रही हैं ये, क्या साइज से बना के आप देंगे क्या? हाँ। जैसे बोलेंगे। हाँ। ओह, और ये देखिए आग में तपके, और ये वाला वो हाथ से बना रही है। कलर इसका वो ब्लैक पहले करते फिर कलर करते? नहीं नहीं, ये कलर सब जो कलर बोलेंगे वो बनेगा। अच्छा पहले ब्लैक बनाया जाता है? नहीं काला रंग। अच्छा क्लैक वो ब्लैक अलग बना रहे गया है। अच्छा अच्छा, वो ऑर्डर है आपको इसलिए वो बना रहे नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए लाख का चूड़ी बिल्कुल हाथ से और बना रही हैं। और इसमें ये जो आग है इसमें तपते हुए, इसमें बना करके, इसमें साइज, इसको साइज इस गोल इसी के हिसाब से करते नहीं? जो साइज का बोलता है। हाँ, और ये देखिए ये सारे साइज का ये बना बना के रखती है, और जो आने से जिस साइज का बोलेंगे, जिस कलर का, जिस साइज का, उस तरह का वो बना करके दे रही है यहाँ पे। और ये सब है उसका कलर नहीं बनाने वाला? अच्छा, और ये वाली उनकी लाह की चूड़ी की ये है, यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से वो साइज के हिसाब से बना करके यहाँ पे रख रही है। और ये देखिए इसका ओनली 150 रेट था। झारखंड से आए हैं? नहीं झारखंड से आए हैं? नहीं अच्छा। और यहाँ पे देखिए कुछ पीतल के ज्वेलरी दिख रहे थे, ये देखिए उसमें कुछ लॉकेट, मंगलसूत्र वगैरह, और ये ताबीज और पीतल तांबा हर चीज़ का होता है, जो अंगूठी उंगठी वगैरह जो था ना नवरंगपुर। और ये है सेल्फी जोन, तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा सेल्फी लेकर के देखते हैं।
यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा ये देखिए स्टॉल है। अगर मैं यहाँ पे दिखाने बैठूँ ना तो बहुत पूरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ओडिशा से हमारा यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये ओडिशा का यहाँ पे क्या फेमस जो भी हो यहाँ पे है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ओडिशा का जो शर्ट है ये ना संबलपुरी शर्ट है और संबलपुरी शर्ट बहुत ही फेमस है। और यहाँ देखिए ये संबलपुरी साड़ी वगैरह रखा गया है जो कि संबलपुरी साड़ी आप जानते हैं ओडिशा में बहुत फेमस है। और ये संबलपुरी साड़ी पाटों वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और ये देखिए कुर्ती भी यहाँ पे ये संबलपुरी कुर्ती सब रखा हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो स्टॉल है ना ये ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती किया जाता है ना अपने घरों में वो वाला है, जो कि जैसे कि हल्दी है हैंडमेड हल्दी जो हाथों से बनाया जाता है और सारा मसाला का सामान बहुत सारा कुछ यहाँ पे रखा। और जो ये वाला सोप है ना ये राजस्थान से आया हुआ है। देखिए राजस्थानी कपड़े जैसे कि घाघरा चोली वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। कुर्ती है दुपट्टा है सारे राजस्थानी वाला जो भी होते हैं ना सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला स्टॉल। और ये वाला सब जो दिख रहा है ना आपको ये पूरा बांस का है और ये ना बांस से बना हुआ। देखिए कितना अच्छा फ्लावर वैस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ना सब कुछ वो बॉम्बो ट्रिक से जो उसका जो पतला पतला काट करके उसी से बनाया हुआ है वो भी हाथों से। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ये जो पीतल होते हैं ना पीतल से बने हुए ये कितने बारीकी से काम किया गया है सारे ये भी सारे हैंडमेड ही हैं। और ये सारे पीतल के इतना सुंदर सुंदर ये देखिए सब कुछ रथ वगैरह क्या क्या ये सब जो यहाँ पे जितना भी रखा हुआ है ना सारे के सारे ये देखिए राधे कृष्ण का मूर्ति और ये जो रथ वगैरह बना हुआ है काफी खूबसूरत बना। और यहाँ काफी खूबसूरत फ्लावर्स दिख रहे थे तो ये देखिए काफी खूबसूरत जो फ्लावर है ना कितने कलरफुल और कितने अच्छे अच्छे हैं। और ये देखिए कोई 20 रुपीज़ पीस यहाँ 5 रुपीज़ पीस से भी स्टार्ट है बोल रहे बता रहे थे। और ये कॉर्न मकई के छिलके जो होते हैं ना उससे बना हुआ है कितना ही खूबसूरत लग रहा है नहीं। और हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ को ये यूज़ किया गया और ये 100 रुपीज़ पीस था छिलके पत्तों इन्हीं सब चीज़ों से ये बनाए हुए हैं और देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग बाहर निकल गए हैं मेला से, मैं तो मेला बहुत एंजॉय किया, आई होप आप सब भी मेरे साथ में मेला एंजॉय किए होंगे। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।